हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, एक क्रिएटर को सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? गाइस, जब उसे खुशी उसी टाइम मिलती है जब उसके 1000 का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है और 4000 का जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस, उस टाइम पे जो क्रिएटर को जो खुशी होती है वो बिल्कुल सीमित नहीं होती। मतलब वो सोचता है कि बस हाँ, अब उसका जो मोनेटाइजेशन है वो चालू हो गया है। तो गाइस, आज के वीडियो में एक भाई ने हमारे साथ अपने YouTube चैनल शेयर किया है कि हाँ, उसका भी 1000 क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है और 4000 का वॉच टाइम जो होता है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम आज उसका ये मोनेटाइजेशन इनेबल करवाने जा रहे हैं। यानी कि आप लोग जो अभी तक फ्रेशर है, जिन्हें ये नहीं पता कि 1000 वॉच टाइम और 4000 का वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद हमें किस तरह से यूट्यूब के ऊपर अप्लाई करना है मोनेटाइजेशन के लिए, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे स्टेप टू स्टेप। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके यहाँ पर बिल्कुल इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो गाइस, इनका जो एडसेंस अकाउंट हमें ऐड करना, यानी कि इस भाई का जो क्राइटेरिया 1000 का वो कंप्लीट हो चुका है, तो हमें क्या करना होगा? यह जो अप्लाई नाउ पे क्लिक होगा गाइस, ऑलरेडी हम क्लिक कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारे सामने तीन स्टेप्स आते हैं। स्टेप नंबर 1, यानी कि आप अपने कंटेंट्स को एक बार रिव्यू कर लीजिए। यहाँ पर रिव्यू करने का फायदा ये होगा कि आपके जो भी क्रिएटर्स आपने कंटेंट ऐड कर रखे हैं, लाइक आपके कोई यूज मिसलीडिंग डाटा ना हो, रीयूज कंटेंट ना हो, और ऐसे वीडियो जो आपने बहुत से लोगों को उठा के अपना वीडियो बनाया, तो यहाँ पर उस वीडियोस को आप चेंज करते रहना होगा और आपको अपना यहाँ पर अकाउंट ऐड करना होगा। गाइस, बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। गाइस, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक क्रिएटर के लिए। क्यों होता है? जब आप अपना यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टेप नंबर 2 ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए आपने स्टेप 1 क्लियर कर लिया, आपका चैनल मोनेटाइज के लिए गया है, इनके स्टेप 3 पे गया, तो स्टेप 2 यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है कि आपको पेमेंट कहाँ चाहिए। तो स्टेप नंबर 2 पे जो करोगे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे दो ऑप्शन पूछेगा। पहला ऑप्शन, आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। इसका मतलब कैसे होता है कि मेरे पास एक ऑलरेडी एग्जिस्ट अकाउंट है तो यहाँ पर मैं उससे ऐड करूंगा। पॉइंट नंबर 2, आई डोंट हैव, यानी कि मेरे पास एडसेंस अकाउंट का कोई अकाउंट नहीं है। गाइस, यहाँ पर गूगल की पॉलिसी है कि आप एक से ज्यादा एडसेंस अकाउंट नहीं रख सकते हैं। गाइस, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि आपके पास ABC से अभी जो अकाउंट है वो ऐड है और आपका जो पुराना अकाउंट है वो XYZ से लिंक है, तो हमें यहाँ क्या करना होगा, XYZ वाले से हमें इसे लिंक करना होगा। तो मैंने जब इनसे बात किया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ऑलरेडी उनके पास अकाउंट है, तो उस एडसेंस अकाउंट में इनका एडसेंस अकाउंट कंटिन्यू